आज मैं बनाने लगी हूँ कश्मीरी चिकन। उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मसाले लगा के रख दूँगी, हल्दी और मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर डाला और आधे घंटे के लिए रख दिया। इसके बाद हम चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तेल लिया, चिकन को तेल के अंदर डाल देते हैं। चिकन को मैं तेल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, तकरीबन आधा हिस्सा फ्राई करूँगी और आधा हिस्सा मैं जब मसाले के अंदर चिकन को डालूँगी उस उधर पकाऊँगी। सो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चिकन को, बिल्कुल फुल नहीं पकाना फ्राई करके। चिकन की पीसेस को अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लें। ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चिकन को निकाल के उसी तेल को इस्तेमाल करेंगे जो हमने चिकन को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और उसको उसी तेल के अंदर फ्राई करेंगे। प्याज का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था और अच्छी तरह से प्याज को हम तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। दस से पंद्रह मिनट के लिए मैं प्याज को फ्राई करूंगी। ये तकरीबन हमारा प्याज जो है तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने टमाटो का जो पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे और डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही इसके अंदर सब मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर आधी टीस्पून और आधी टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और काली मिर्च मैंने एक टीस्पून डाली इसके अंदर और एक ही टीस्पून आधी टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला जो मैंने खुद बनाया था और साथ ही मैंने एक टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर इसके अंदर डाला और अच्छी तरह से आप मसाले को भून लें। यह हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं नमक डालूंगी और अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेंगे। यह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है और इसकी रंगत से भी लग रहा है ये तैयार है। इसके अंदर मैं डालूंगी दो टेबलस्पून दही, दही को अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये मैं डालूंगी बादाम।
बादाम को मैंने पीस लिया था, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये दूध है, लेकिन ये दूध नहीं था, ये बादाम थे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को अच्छी तरह भून लें। पाँच मिनट तक मसाले को पकाएं, ताकि जो मसाले और दही और जो कुछ हमने अंदर इसके अंदर डाला वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन डालते हैं और चिकन को हम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे, क्योंकि जब हमने चिकन को फ्राई किया था तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। सो आधा चिकन को हम इधर पकाएंगे ताकि चिकन के अंदर जो फ़र्क रह गया था वो पूरा हो जाए। चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे और अच्छी तरह भून लें ताकि सब मसाले जो हैं चिकन के साथ मिक्स हो जाए। इसके साथ ही मैंने इधर जो है 1 कप पानी डाला था ताकि चिकन में थोड़ी ग्रेवी बन जाए, बहुत सूखा सूखा चिकन ना रहे। और 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। यह हमारा चिकन तैयार है बिल्कुल, जो तो तेल हमने अंदर डाला था वो चिकन ने वापस छोड़ दिया है। आखिर में हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया यूज़ करेंगे। और यह हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है। आप रोटी और नान के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।